ओम शांति। के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 मार्च 2000। बाबा की आज की मुरली का सार है, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। बाबा कहते, आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, हम कौन हैं बच्चे? बाबा के जन्म के साथी, क्योंकि ये अलौकिक संगमयुग की रस्म है कि बाप और बच्चे का जन्म एक ही दिन है। शिव जयंती सो बच्चों की जयंती। तो बाबा कहते, हम जन्म के साथियों को बाबा देख रहे हैं, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो हम बाबा के जन्म के साथी भी हैं और सेवा के साथी भी हैं, है ना? सभी साथी सिर्फ ऐसा तो नहीं लेने वाले हैं, सेवाओं में भी साथी हैं। बाबा क्यों आए हैं परम धाम से? नई दुनिया बनाने के लिए, ये सेवा करने। तो हम सेवा के साथी भी हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? है ना कि बाबा का जन्मदिन तो है ही, बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म है, लेकिन बाबा के जन्म के साथ हमारा अलौकिक जन्म भी है। हमारे ब्राह्मण जन्म का भी यही शिव जयंती यादगार है। ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। ऐसा तो कभी भी नहीं होता पूरे कल्प में, बस संगम युग पर ही बाप और बच्चों का जन्म दिवस एक ही दिन। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। आज शिव जयंती का दिन है। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं, है ना? तो ये तो विशेषता है ही कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन है, लेकिन इस दिन की और एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान बाप हम बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया में तो मनुष्य मनुष्य का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमारा जन्मदिन कौन मना रहे हैं? स्वयं भगवान बाप। परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। बाबा कहते, परम आत्मा मनाने वाले और जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं हम बच्चों का, बाबा हमें टाइटल देते, हम श्रेष्ठ आत्माएं। और परम आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र तो कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, लेकिन सचमुच उस अनुभव में स्थित हों कि हम ईश्वरीय संतान है, वो नशा, वो अलौकिक खुशी तो सिर्फ हम बच्चों को होती, क्योंकि संगम युग में तो हम प्रैक्टिकल में डायरेक्ट परमात्म संतान बनते। परंतु ना वो जानते हैं, ना उसी स्मृति से चलते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप तो बहुत शक्तिशाली स्वरूप होता है। अगर ये स्मृति रहे प्रैक्टिकल कि हम परमात्म संतान है, तो आत्मा की स्थिति तो बहुत शक्तिशाली, खुशी वाली, भरपूर हो। आप सभी अनुभव से कहते हो, हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। हम ऐसे कहने को नहीं कहते,
हम अनुभव से, रियलाइजेशन से कहते हैं, उस नशे खुशी को अनुभव करते हैं जो परमात्मवंशी ब्रह्मावंशी को अनुभव होनी चाहिए। अनुभव से कहते हो ना, परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं, है ना। कोई बड़ा आदमी अपनी बर्थडे पार्टी में हमें बुलाए तो बड़ी बात लगती है ना, यहाँ तो हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं और परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये दिव्य अलौकिक नशा हम बच्चों को सदा स्थायी रहना चाहिए। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे हैं, सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं विश्व के कोने कोने से बाबा के घर में, किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। वैसे तो मिलन तो बच्चे सदा ही बाबा से मनाते हैं, लेकिन खास संगठन में क्यों आए हैं? बाबा से मुबारक लेने और बाबा को जन्मदिन के मुबारक देने। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ क्या देते हैं? परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं प्रेम के मोती हीरे जवाहरात बाबा बच्चों पर बरसा रहे हैं। सबकी झोली भर गई प्रेम के मोतियों से, हीरे जवाहरों से। प्रेम के मोती देखे हैं ना, है ना, दुनिया में कोई दुर्लभ मोती होता है तो कोई पूछेगा ना, ऐसा मोती आपने देखा है? तो बाबा कहते हम बच्चों ने प्रेम के मोती देखे हैं। इन प्रेम के मोतियों का अनुभव हमारे सिवाय और किसी को नहीं, क्योंकि प्रेम का सागर एक बाबा ही है और प्रेम के मोतियों की वर्षा तो एक बाबा ही बच्चों पर करते हैं। प्रेम के मोतियों को जानते हो ना, फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, बाबा कहते सोना भी बरसा देते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, है ना। और इस अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा से बुद्धि रूपी झोली और हमारे दिल सदाकाल की भरपूर हो जाती। दुनिया में फूलों की वर्षा और जो सोने की भी वर्षा कोई करे तो अल्पकाल की खुशी होगी, लेकिन ये प्रेम के मोतियों की वर्षा तो हमें सदाकाल के लिए भरपूर बना देती। एक गुणा ने पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं ना, सबके दिल को बाबा के दिल की मुबारक पहुंची ना। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे कहो, सब सुन रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते मन में जो बैंड बज रही है खुशी की, बाजे गाजे बज रहे हैं, उसका स्वर भी बाप दादा के दिल तक पहुंच रहा है। भक्त लोग तो पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना, ये समा जाना ही समान बनाता है। जब हम मन बुद्धि की लगन से बाबा के प्यार में निरंतर समाए रहते तो यही लगन हमें बाप समान बना देती है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते ना, इसीलिए बाबा हमें वो विधि सिखाते हैं जिससे हम बाबा के प्रेम में समाए रहें। जब ऐसे समाए रहते, समान बन जाते, तो बाबा कहते तब मेरा लक्ष्य पूरा होता। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे अलग रहें। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं
है ना, माया में बिजी हो जाते हैं तो फिर बाप से थोड़ा किनारा हो जाता है ना। माया 63 जन्मों से है तो शत्रु लेकिन मित्र बन पड़ी है, तो फिर उस माया के भ्रम में फंस जाते हैं और माया के खेल खेल में ऐसा फंसते कि बाप से किनारा कर लेते। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना और सहारे से दूर हो जाते, सहारे से किनारा कर लेते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, नटखट होते हैं तो आग के पास चले जाएंगे, किसी गड्ढे के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहते मेरे बच्चे भी ऐसे नटखट बना करते हैं। माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। बाबा अपने बच्चों पर दोष भी नहीं धरते, है ना, इतना प्यार है बच्चों से कि सारा दोष माया के सिर पे लगा देते हैं। तो सहारा से किनारा करा लेती है, इसको अंडरलाइन करना, कितनी बड़ी बात है, सहारे से किनारा कर लेते हैं। जो सहारा है उसी से किनारा करके बैठ जाए और फिर सहारा मांगे भी तो कौन दे। तो बाबा कहते माया ऐसे खेल खिलाती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। फिर बाबा अपनी युक्ति लगाते हैं, किसी न किसी प्रकार से फिर बच्चे को अपनी छत्र छाया में लाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहना है ना, बाबा पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं, कंपेनियन और कंपनी, है ना। और वैसे भी किसी को पूछो तो कहते हैं ना कि बाकी सब कुछ ना हो चलेगा पर एक अच्छा साथी होना चाहिए, है ना, कंपेनियन और कंपनी ये सभी चाहते हैं। ये दोनों पसंद हैं, अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ, है ना, सभी उठाओ हाथ फॉर। तो बाबा कहते भारत वालों को पसंद है, पसंद है ना, सबको अच्छा लगता है अच्छा कंपेनियन हो, अच्छी कंपनी हो। कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है। कंपेनियन सदा साथ रहता है, कंपनी सदा नहीं रहती लेकिन कंपनी भी अच्छी लगती है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? अब बाबा कहते हैं कि बाबा को क्या सिर्फ पिता के रूप में संबंध बनाया है, या बाबा आपको किस रूप से मिला है? क्या कंपेनियन और कंपनी की जो चाहना थी उस आधार से समझते हैं कि हमें कंपेनियन मिला है बाबा? तो बाबा कहते कंपेनियन मिला है, बोलो हाँ जी या ना जी। बाबा मिलने के बाद भी ऐसा तो नहीं सोचते हमें कंपेनियन चाहिए। फिर बाबा कौन है? बाबा ही तो है आत्मा का कंपेनियन, है ना, एवर कंपेनियन, सदा का कंपेनियन। लेकिन बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि अभी रियलाइज़ नहीं किया कि ये मेरा कंपेनियन है। तो बच्चे कहते हाँ जी कंपनी मिली है ना, कंपनी मिली है। तो बच्चे कहते हाँ जी, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था, है ना। बाबा कहते 84 जन्मों में कंपनी भी मिली है, कंपेनियन भी मिले हैं, लेकिन क्या ऐसा मिला था जैसा बाप मिला? कल्प पहले मिला था? अब बाबा कहते चलो इस कल्प में तो नहीं मिला था, कल्प पहले मिला था, याद है ना, ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, है ना, सदा का कंपेनियन, हर सेकंड का कंपेनियन। ऐसी बाबा कहते कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। बाबा कहते तुम भले नाज नखरे दिखाओ, तुम नटखट पना दिखाओ, तुम किनारा करो, लेकिन बाबा कभी किनारा नहीं करता, बाबा तो सदा सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। बाबा कहते जो भी दिल को चाहिए, है ना, दुनिया में सोचते हैं कंपेनियन से ये मिलेगा ये मिलेगा,
लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन हमारी तो जो भी सर्व प्राप्तियों की चाहना है वो सर्व प्राप्तियाँ बाबा हमारी पूर्ण करते हैं। कोई अप्राप्ति है ना, अप्राप्ति नहीं, इसीलिए तो संगम युग में हम संतुष्टता का रस चखते हैं, है ना। संतुष्टता का आधार क्या है? सर्व प्राप्ति। और बाबा ऐसा कंपेनियन है जो सदा कंपेनियन बनता, और ऐसा कंपेनियन है जो सारे कल्प में ऐसा नहीं मिला, और सर्व प्राप्तियाँ कराने वाला कंपेनियन है, सदा सहारा देने वाला। हम किनारा भी करें, नटखट भी बने, तो भी सहारा देता है, ऐसा विचित्र वंडरफुल कंपेनियन। तो बाबा कहते कोई अप्राप्ति है, सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो, बस ऐसे ही कह दिया क्योंकि अच्छा लगता है, यहाँ की मर्यादा है कि कहो कि सर्व प्राप्तियाँ हैं तो हाँ जी कहना चाहिए, इसलिए, या दिल से कहते हैं हाँ सर्व प्राप्तियाँ हमें मिली, क्या कहते हैं? दिल से कहने वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ, है ना। तो बाबा कहते गाते तो हो ना, जो पाना था वो पा लिया, यही गीत है या पाना है अभी भी, पा लिया, अभी पाने का कुछ नहीं या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं, अभी भी इच्छाएं, तृष्णाएं, आशाएं पुरानी दुनिया में बची हुई तो नहीं है, सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं, अपने दिल से पूछो, और अगर पूरी हो गई है तो कहो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, अब और कुछ पाने की आशा नहीं। बाप दादा कहता है रह गई है। बाबा दिल की बात सुनाते हैं कि बच्चों की अभी भी आशाएं रह गई हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है, ये बच्चे कह रहे हैं। तो बाबा कहते ये तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह जाए, है ना, बच्चे की झोली खाली रह जाए, ऐसा तो बाबा नहीं चाहते, इसीलिए बाबा की ये आशा है कि प्रत्यक्षता हो। तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। बाबा कहते मालूम, परिचय देने तक तो पहुँचे, फिर कोई उस परिचय को माने ना माने, चले ना चले, वो अलग बात, लेकिन कम से कम सबको परिचय मिल जाए, ये बाप दादा की आशा है। तो बाबा कहते लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं, है ना। बाबा कहते हद की और आशाएं तो भले पूरी हो गई वस्तु की, अन्य प्राप्तियों की, पद की, मान शान की, लेकिन प्रेम की आशाएं अभी भी बच्चों के अंदर हैं, है ना। प्रेम की आशाएं माना मीठी आशाएं, हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। है ना, अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, बाबा से प्रेम है, तो उस प्रेम में कुछ आशाएं हैं। स्टेज पर आए माना बाप दादा स्टेज पर आते, तो बच्चे जो स्टेज पर बाबा के सम्मुख मिलन मनाते, वो आशा कई बच्चों को होती। अब उस आशा का बीज क्या है? बाबा से प्रेम, तो चाहते हैं कि बिल्कुल हम बाबा के नज़दीक जाकर दृष्टि लें, तो ऐसी ऐसी आशाएं, बाबा के हाथ से टोली ले, वरदान ले, है ना, बाबा मेरे प्रति कुछ वचन स्पेशल उच्चारें, ऐसी ऐसी आशाएं भी रहती हैं ना। तो बाबा कहते चलो भौतिक दुनिया की वस्तु व्यक्ति वैभव की आशाएं तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये वाली बाबा से प्रेम में जो आशाएं जन्म लेती हैं, कई बार ऐसी आशाएं बच्चों के अंदर हैं। तो बाबा कहते कि हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है, अब तो बाबा स्वयं आपके पास आते हैं ना। बाबा कई बार स्टेज से नीचे उतर आकर बच्चों से मिलते थे, तो बाबा कहते ये आस भी मैंने हर बच्चे की पूरी कर दी, क्योंकि हर बच्चा स्टेज पर तो नहीं पहुंच सकता, इतने 25,000 अगर स्टेज पर पहुंचे तो कैसा हो, वो तो कितने घंटे लग जाए। तो बाबा कहते अब वो आशा मैंने ऐसे पूरी की, ये भी आशा पूरी हो गई ना, संतुष्ट आत्माएँ हैं। जब सर्व आशाएं पूरी हो जाती
तो क्या बन जाते? संतुष्ट आत्माएं। मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है, है ना। नेचुरल है कि अभी समय ऐसा हुआ, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, तो अब ऐसी आशाएं रखना भी कि पर्सनल पालना मिले, है ना। वैसे तो पर्सनल पालना बाबा अव्यक्त वतन में हर बच्चे को देते हैं, लेकिन स्थूल में ऐसी आशाएं रखना ये भी समझदारी की निशानी नहीं है। तो समझदार माना जैसा समय वैसा स्वरूप बना लें। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना, और बाबा को भी जैसे जैसे समय बदला, पाठ बदला, तो बाबा को भी बच्चों के लिए इतना प्यार है, लेकिन ड्रामा के बंधन को तो मानना ही पड़ता है। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है, है ना। बच्चे समझदार हैं तो समय को देखकर संतुष्ट रहते और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ही कहते हो, पाना था सो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी ये जो गीत बनाया, पाना था सो पा लिया, यह अनुभव के आधार से ऐसे मीठे बोल निकले दिल से। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल, वही सर्व ब्राह्मणों के बोल, क्योंकि शिव बाबा ने तो जो कुछ ब्रह्मा बाबा को दिया वैसा ही बच्चों को भी दिया। तो ब्रह्मा बाबा के दिल से ये बोल निकले तो बच्चों के भी दिल से निकलते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, है ना। कंपेनियन की कंपनी में रहो, और उस कंपनी में क्या है, सर्व संबंधों का अनुभव समाया हुआ है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। यहाँ जितने भी सुन रहे हैं सभी बाप से सर्व संबंधों के अनुभवी हैं, या अभी भी कोई संबंध की कमी अनुभव होती है? अगर होती है तो वो संबंध भी बाबा से जोड़कर अपने को संतुष्ट बनाए, संतुष्ट मणि बने। जब सर्व संबंध है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, है ना। मानो कभी राय लेनी है तो बाबा को क्या बना लो, है ना, बाबा को बना लो सतगुरु। कभी बाबा से सिर्फ ऐसे ही रू रिहान करनी है, बातचीत करनी है, तो फ्रेंड बना लो बाबा को। बाबा से अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का अनुभव करना है तो माँ के रूप में बाबा को याद करो। तो बाबा कहते, या कोई कार्य इकट्ठे करना है तो बाबा को कंपेनियन के रूप में याद करो। तो बाबा कहते, हर समय अलग अलग संबंधों से बाबा के संबंध का अनुभव करो, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकते। व्यक्ति के प्रति क्यों बुद्धि जाती है, देहधारी के प्रति? क्योंकि सर्व संबंध का रस बाबा से नहीं लिया, तो वो रस फिर हमें व्यक्ति से मिलने की आस में वहाँ खींच होती है। लेकिन अगर बाबा से सर्व संबंध जोड़ अपने दिल को भरपूर रखते हैं तो फिर व्यक्ति की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। सुख लेंगे कब? सिर्फ ऐसे नहीं रटेंगे, बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो थोड़ी सुख मिलेगा, लेकिन कार्य में लगाओ। बाप रूप से बाबा जो पालना दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, बाबा हमें जो कदम कदम पर श्रीमत दे रहे हैं, उनकी स्मृति में रहकर अपनी जीवन को अनुभव में लाओ कि मैं बाप की छत्र छाया में हूँ, मैं निधन की नहीं हूँ, है ना। निधन के पन के अनुभव से निकलो और बाबा की छत्र छाया का अनुभव करो। तो संबंध को कार्य में लगाना पड़े। बाप दादा जब देखते हैं, कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं,
क्योंकि संबंध का रस नहीं है तो अकेलेपन में नीरस का अनुभव होता। तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते, वाय वाय, है ना, वाय वाय शुरू हो जाता, क्यों क्यों, ये क्यों, वो क्यों, क्योंकि खालीपन है तो वाय वाय शुरू होगा। ये क्या क्यों किसकी निशानी है, खालीपन की निशानी है। जब सर्व संबंधों का रस अनुभव नहीं होता, आत्मा में अप्राप्ति का अनुभव है, तो बाहर क्यों क्यों की क्यों लग जाती। बाप दादा ने कहा वाय नहीं कहो। जब ये शब्द आता है, वाय नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, है ना, तो उड़ो। बाबा की सर्व संबंधों के अनुभव से बाबा की कंपनी में उड़ो, वाय वाय में नहीं फंसो। तो वाय वाय कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, फिर मिलेगा ऐसा कंपेनियन, कल्प बाद मिलेगा। तो अभी तो ऐसे कंपेनियन से जुदा नहीं हो ना, ऐसा कंपेनियन जो सर्व संबंधों का सुख देता है, उसके उससे सर्व संबंधों के रस का अनुभव करना है। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, है ना। बाबा तो मालिश भी कर देते हैं, इसीलिए भक्ति में कहा ना, द्रौपदी के पांव दबाए। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हें, है ना, जैसे एक संबंध ये भी है ना कि कोई मालिश करे शरीर और की थकान या आत्मा की थकान दूर करे, तो बाबा कहते वो संबंध भी मैं निभाता हूँ। मनोरंजन कराने के लिए भी बाबा एवर रेडी है, बाबा एंटरटेनर भी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना, फिर ये जो टीवी देखना, ये वो घूमना फिरना सब छूट जाएगा। मनोरंजन करने वाला संबंध भी बाबा से निभाओ। ऐसा यूज़ करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, है ना, बड़ा 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 संबंध, और ये छोटे छोटे संबंध एंटरटेनमेंट के संबंध, है ना, एंटरटेनर दूसरा, मसाज वाला दूसरा। तो बाबा कहते ये संबंध भी मत से जोड़ो, सर्व संबंध जोड़ो, सिर्फ बड़े वाले नहीं, हल्के संबंध भी जो है मुझसे जोड़ो, लेकिन सर्व संबंध है। समझा, डबल वेदेशियों ने समझा। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो किसका बर्थडे मनाते हो, तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो, देते हो ना। हाँ, मनुष्य को तो देते हैं, भगवान को देते हैं कि भूल जाते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए। बाबा कहते हैं हाँ चलो, आपका भी बर्थडे है, लेकिन नाम तो शिवरात्रि है ना, तो मेन बर्थडे तो मेरा है। मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी। अब बाबा कहते चलो गिफ्ट निकालो, या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे कि गिफ्ट भी देंगे, आज क्या गिफ्ट दी। फिर बाबा कहते या कल देंगे गिफ्ट, आज बर्थडे कल गिफ्ट कोई देता है क्या, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो क्या दी, दी कुछ गिफ्ट, या वेट कर रहे हैं कि बाबा खुद बताएंगे तो देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। गिफ्ट तो कुछ लेकर आए होंगे, तो क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तो बाबा कहते सोच रहे हैं। अच्छा, देनी है, सोच रहे हैं, देने के लिए तैयार हो, चलो लाए तो नहीं हो, अब देने के लिए तैयार हो, बाबा कह रहे हैं। तो बच्चे क्या कहते, जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे, देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अब बाबा कहते ऐसे वायदा तो कर दिया, जो आप कहेंगे देंगे, पर हिम्मत रखनी पड़ेगी, जब बाबा कहेंगे ये दो तो। हिम्मत है ही हिम्मत, बाबा को मुंह मांगा गिफ्ट देने की हिम्मत है। मधुबन वाले हिम्मत है,
डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है, हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, माताओं में, पांडवों में, भाइयों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है ना। बाबा पहले सबसे पक्का करवा रहे कि हिम्मत है, गिफ्ट देंगे। फिर बाबा कहते बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई, है ना। बच्चों ने हिम्मत दिखाई, वही बाबा को मुबारक मिल गई। अच्छा, अब सुनाएं। बाबा कहते ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये तो सोचना पड़ेगा, अब सुन ली फिर कहेंगे अच्छा ये तो हमने सोचा नहीं था कि आप ये मांगेंगे, तो अब सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पीछे पलट जाएंगे। गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी में बाबा ने देखी है। इसको अंडरलाइन करो। बाबा जो कहने जा रहे हैं ना, मेजॉरिटी बच्चों में है। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। अब बाबा क्रोध के 3 प्रकार कह रहे हैं। सरकमस्टेंस में देखा जाता है कि बच्चों के अंदर 1, 2, 3 रूपों का क्रोध इमर्ज होता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है ना, अपशब्द भी कह रहे हैं, आवाज़ भी ऊंची, हाथ भी उठ रहा है। कोई में जोश के रूप में होता है ना, चेहरा लाल हो गया ऐसा। कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है, कह कुछ नहीं रहे, अंदर अंदर अवस्था बिगड़ गई है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वो भी है क्रोध का अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वो हल्का है, पहले 2 वाले मोटे रूप के हैं। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन 3 रूप के क्रोध अलग अलग रूप से इमर्ज होते हैं। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो ही गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही, है ना, कहेंगे बात तो देखो, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे, है ना, चिड़चिड़ापन भी नहीं आए, सदा शांत अवस्था, कैसा भी सरकमस्टेंस, सारा क्रोध का अंश भी बाबा को गिफ्ट में दे दो। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। बाबा के क्रोध से डबल बोझ चढ़ता है, एक तो पाप का बोझ चढ़ता ही है, साथ में डिससर्विस का भी बोझ चढ़ता है, क्योंकि क्रोध गुप्त नहीं रहता, क्रोध तो दूसरे को दिखता है। चाहे कितना भी कहो ये सरकमस्टेंस, ये कारण, लेकिन क्रोध किया इस बात को तो मना नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता है, 2 के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है ना, घृणा नहीं है पर थोड़ा सा, ये मुझे इतना पसंद नहीं है, इसकी ये बात पसंद नहीं है, वो है घृणा भाव का अंश। अगर संकल्पों के रूप में भी ये रहता है, थोड़ा अंश भी है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है, है ना। उसकी कोई चीज़ देखेंगे तो अंदर ऐसे जोश ऊपर उठाएगा। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, चेहरा बदल जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, वो चेहरे पे दिखता है और इससे डिससर्विस होती है। अंदर भी अगर किसी की कर्म, किसी की कोई एक्टिविटी देख कर भी जोश आता है तो वो चेहरे पर दिखता है, डिससर्विस होती है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो ना, ऐसे ही काम महाशत्रु तो क्रोध महाशत्रु गया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव, वो इमर्ज नहीं होता है, है ना। तो बाबा कहते
जहाँ क्रोध है जैसे आग है तो पानी तो ठहरेगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही जहाँ क्रोध का अंश भी है वहाँ शुभ भाव, प्रेम भाव, जो हमारी बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति है। बाबा हमें कितना स्लोगन में, वरदानों में महत्व समझाते हैं कि शुभ भाव, प्रेम भाव से हम दूसरों की भावनाएं, वृत्तियां परिवर्तन कर सकते। लेकिन बाबा कहते जहाँ क्रोध का अंश है वहाँ शुभ भाव, प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता। तो बाबा कहते फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे। अब फिर जहाँ क्रोध का अंश होता तो घृणा, मूड ऑफ होना, है ना, कहेंगे इनकी, इनको सामने मत लाओ, इनको देखने से मूड ऑफ हो जाता है, इनके काम देखने से मेरा मूड ऑफ हो जाता है, किनारा करने लगेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, वो कुछ भी कहे, भरी सभा में भी खड़े होकर बोलने लगेंगे, सहा नहीं जाएगा। क्यों? बातों को उनकी रिजेक्ट करने की ऐसी अंदर से जैसे ना आग लगती है। तो बाबा कहते आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना, क्रोध ऐसा भी होता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अंदर अपने क्रोध है तो उसको रोकेंगे, उसकी उन्नति से तकलीफ होगी। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, है ना, कहेंगे बस आज इनका थोड़ा ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी तो ऐसा, लेकिन ये सारे कर्म दिखते हैं, है ना। खासकर कोई किसी उन्नति में बाधा डालता है ना, किसी से किनारा करता है, किसी को जैसे, है ना, रिजेक्ट करता है। बाबा कहते हैं ना कि बात को ठुकराएंगे, डिसरिस्पेक्ट से ठुकरा देते हैं किसी बात को, तो ये सारी बातें नज़र आती हैं, इससे डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते तो क्या जन्म दिवस की ये गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ, सो गिफ्ट देने में सोचेंगे, अच्छा लगता है कहना ऐसा। जो समझ, बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर भी साहेब राजी होता है। बाबा कहते हैं चलो सच बोला, इस पर साहेब राजी है। तो कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच बोलने की तो चलो मुबारक है। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? बाबा कहते चलो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका भी टाइम सेट करो, पता चला अंत तक कोशिश ही कर रहे हैं। तो एक मास चाहिए, छः मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है? कई बार क्या होता है, कोई चीज़ करनी नहीं होती है तो ऐसे ही कह देते हैं हाँ ट्राई करेंगे। तो लक्ष्य है, लक्ष्य है तो टाइम बाउंड होना चाहिए कि चलो इतने समय में करके दिखाएंगे। और अगर लक्ष्य ही नहीं है तो फिर वो कह दो, फिर तो सच्ची दिल नहीं हुई ना, फिर तो ऐसे ही कह रहे हैं। जिन, बाबा कहते हैं जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम दो तीन मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। और जो समझते हैं छः मास चाहिए, अगर छः मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस समय को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते चलो छः मास कह रहे हो, उससे कम में पूरा करना। ये डिससर्विस दिखाई देती है। बाबा कहते हैं छः मास तक अगर नहीं किया तो उतना समय तो डिससर्विस करते रहेंगे ना, तो वो बोझ भी चढ़ेगा। इसीलिए जल्दी इस क्रोध के अंश को छोड़ो। मुख से नहीं बोलो, शक्ति बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है वो उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे, तो बाबा की मुबारक मुबारक मुबारक। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। बच्चे बाबा के लिए सौगात दिए, कौन सी सौगात? क्रोध मुक्त बनने की, शुभ भाव और जो श्रेष्ठ भाव है उसको, प्रेम भाव है उसको इमर्ज करने की। तो बाबा कहते उस गिफ्ट की फिर बाबा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। क्या है रिटर्न गिफ्ट? वरदान। क्या वरदान है? जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी अभी क्रोध आ भी जाए
तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। इसको प्रैक्टिकल कार्य में लगाना, ये वरदान है। वरदान को कार्य में लगाने से उड़ती कला में चले जाते हैं। जब भी क्रोध का अंश भी आ जाए ना, तो दिल से मीठा बाबा बोलो, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, है ना, और उस क्रोध पर विजयी बन जाएंगे। ये बाबा का वरदान है, हमने प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है और इसमें बाबा की मदद को अनुभव किया है। तो बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी, क्योंकि क्रोध जब इमर्ज हो रहा है तब दिल से मीठा बाबा कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, लक्ष्य रखा है, उस घड़ी भी याद है कि मुझे क्रोध पर जीत पानी है, तो बाबा को दिल से पुकारेंगे तो बाबा उस लक्ष्य पर पहुंचने की मदद हमें देंगे। और ये वरदान है, प्रैक्टिकल में बाबा का वरदान काम में आता है। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना, तो कहते हैं हाँ जी, तो मुबारक हो, बहुत अच्छा, आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे, मेहनत बहुत करते हैं, सचमुच सभी मधुबन वालों की मेहनत का लाभ उठाते हैं, सब सेवा लेते हैं और मधुबन निवासी इतनी सेवा करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं, है ना। बाबा कहते क्रोध के लिए टोली नहीं दे रहे हैं, क्रोध तो सभी बच्चे छोड़ेंगे, मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत मधुबन निवासियों की, उसके लिए एक्स्ट्रा टोली। सभी समझेंगे हाथ उठाया इसलिए टोली देते हैं, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, है ना। क्रोध के लिए हाथ उठाया वो तो ठीक है, लेकिन मेहनत के लिए टोली देते हैं। सबको सेवा से संतुष्ट करना, ये तो मधुबन का एग्जाम्पल है। ऐसे कोई आत्मा नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बाबा के घर पहली बार गई हो, सब संतुष्ट होकर लौटते हैं और सबको सेवा से संतुष्ट करते हैं मधुबन निवासी। बाबा कहते हैं एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इनों का मुख मीठा देखकर मीठा मुख कर लेना। बाबा कहते हैं इनके मुख में टोली और इनका मुख मीठा देख आप मीठा मुख कर लेना, क्योंकि हमारी इतनी सेवा करने वाले हमारे भाई बहने आज बाबा से खास टोली ले रहे हैं, तो हमें भी खुशी होगी। तो बाबा कहते खुशी होगी ना, ये भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है कि दूसरे की खुशी को देखकर खुश होना। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं दे रहे हैं, वरदान में शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो, है ना। बाबा कहते हम जो हमारे जो चेहरे और चलन से, जैसे दुनिया में किसी के चेहरे और चलन से कहते हैं ना, ये हिंदू होंगे, ये इस्लामी होंगे, या ये जो है ये यूरोपियन होंगे या अमेरिकन होंगे, ऐसे हमारे चेहरे चलन से ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्वयं में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, बाबा ब्राह्मण कल्चर की एक निशानी बताते, हर एक के संपर्क में सदा मुस्कुराते हुए आए, कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, किसी के कर्म देखकर, चेहरा देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, मैं कौन, मैं ब्राह्मण, मेरा कल्चर क्या, मुस्कुराते हुए संपर्क में आना। बीती बातें भूल जाओ,
नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ, है ना। ये सत्यता की सभ्यता है, हमारे सत्य स्वरूप है ही सभ्य स्वरूप, उससे अभी सभ्यता में आओ, अभी दिखाना है, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना, हम तो हाँ जी को समझते हैं, हाँ जी करना बड़ों को तो ज़रूरी है, सिर्फ माया को ना जी करो है ना। कई कहते हैं हम ना नहीं कर पाते, तो बाबा कहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन माया को तो ना जी करना सीखो, बस और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी और गिफ्ट ले ली, है ना, वरदान भी ले लिया बाबा से और फिर गिफ्ट भी दे दी क्रोध की। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं, तो बाबा के सम्मुख हॉल में तो बैठे ही हैं बच्चे, फिर जो इंटरनेट से सुनते हैं वो है, फिर बाहर अलग अलग जगहों पर भी सभाएं हैं, कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनको भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं दी, या सोच रहे जो हॉल में बैठे हैं वो सौगात देंगे, हम तो है ना बाहर सुन रहे हैं तो हमें सौगात नहीं देनी। हाँ, सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो साइंस के यंत्र बने हैं, तो टीवी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बाप दादा तो अपने टीवी में नज़दीक देख रहे हैं बच्चों को, और बच्चे भी जैसे सम्मुख मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहते तो साइंस का भी सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए। बाबा कहते हैं सारे तत्व ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही हैं, इसलिए जब से संगम युग प्रारंभ हुआ है ना, तब से साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सत्ययुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी ही, उस समय तो साइंस भी उसके लिए रिमोट या बटन नहीं चलेगा, संकल्प से चलेगी। लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसीलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं, वो भी तो बच्चे ही हैं बाबा के, कोई बाबा को ना भी जाने तो भी वो बच्चे बाबा के कार्य में इनडायरेक्टली मदद कर ही रहे हैं, तो बाबा उनको भी मुबारक दे रहे। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनीक शोभनीक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा बाप दादा मैसेज भेजे हैं, कोई कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं, तो बच्चों के गिफ्ट, पत्र, कार्ड, है ना, याद प्यार के मैसेज सब पहुँचे हैं। बाप दादा उनको भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं, है ना, जिन्होंने भी बाबा को कार्ड और बधाई के पत्र भेजे हैं, वो जैसे बाबा के सम्मुख इमर्ज हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं, और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार भी किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते उड़ो और उड़ाओ है ना, क्योंकि कोई भी अवस्था है उसको याद नहीं करो, उड़ो और उड़ाओ, छोड़ो तो छूटो, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगे और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। बाबा कहते बात को याद मत करो, बाप को याद कर फुल स्टॉप लगाकर शक्तियों और गुणों को इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं,
सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता भव। बाबा कहते हैं साइंस की दवाई में तो अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। पवित्रता की स्थिति से, अवस्था से जब हम किसी को दृष्टि देते हैं तो क्या होता, उस आत्मा को सदा निरोगी काया मिल जाती, सदा के लिए उसके दुख दूर हो जाते। इसीलिए तो आपके जड़ चित्रों के सामने भी ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं, क्योंकि इस समय पवित्रता की स्थिति दुआओं का काम करती है। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो, तो अपने जो पूजे जाते हैं उस स्वरूप से भी आज आत्माएं प्राप्ति का अनुभव करती, तो हमें भी अब अपने चैतन्य सर्व प्राप्ति स्वरूप में स्थित होकर हरेक की झोली दुआओं से भरनी है अपनी दृष्टि वृत्ति के आधार से। स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद क्या वैराग्य। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी साधना क्या है कि इस पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि का लंगर उठा हुआ हो। और बाबा हमें कहते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति की जो हमारी स्थिति है उससे अनेक आत्माएं जो दुख दुनिया की प्राप्तियों के पीछे भागकर परेशान हो रही है वो भी वैराग वृत्ति में स्थित होकर अपनी उन इच्छाओं के भंवर से निकलेंगी। तो इसीलिए बाबा कहते अब हमारी तपस्या का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है कि हम बेहद की वैराग वृत्ति का वाइब्रेशन बनाएं। आज सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित होकर सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दें, वरदान दें, भरपूरता का अनुभव कराएं। अच्छा, अब आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 16 जून 2024 के अव्यक्त इशारे बाबा के। कर्म योगी आत्मा सदा साक्षी दृष्टा बन कर्म करने के कारण किसी भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बन सकती। कर्म करते भी हम जैसे साक्षी होकर करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं फंसते। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं, है ना। कर्म का फल भी श्रेष्ठ है तो बंधन में नहीं बांधता, संबंध में आते हैं। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनती हैं। उन्हें देखकर अनेक आत्माएं स्वयं कर्मयोगी बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति।